बीआरजी न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। शहर में कार्यरत सरगम एकेडमी में 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, जिसमें वर्चुअल तरीके से बच्चों ने संगीत एवं डांस करके अपनी प्रतिभाएं दिखाए। शहर में कला और संस्कृति क्षेत्र में कार्यरत सरगम एकेडमी की ओर से 72वां गणतंत्र दिवस वर्चुअल कार्यक्रमों के जरिए मनाया गया। बड़ौदा शहर समेत राज्य के कई जिलों से सरगम एकेडमी के छात्र ऑनलाइन माध्यम से जुड़े थे, जहां उन्होंने कीबोर्ड, गिटार, तबला जैसे वाद्यों से देशभक्ति के सुरों से समा बांधा। वहीं कई छात्रों ने डांस के जरिए गणतंत्र पर्व पर देशवासियों को संविधान के अमली होने के दिन की बधाइयां। सरगम एकेडमी के फाउंडर डायरेक्टर प्रतीक उपाध्याय की अगुवाई में ये वर्चुअल आयोजन किया गया, जिसमें देशभक्ति और बच्चों की प्रतिभा दोनों की झांकियां देखने को मिली। नमस्कार, मैं हूं प्रतीक उपाध्याय, सरगम एकेडमी फाउंडर और डायरेक्टर, और सभी वडोदरा वासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिन की ढेरों शुभकामनाएं। सरगम एकेडमी के द्वारा आज एक बेहद शानदार कार्यक्रम किया गया। ऑनलाइन के माध्यम से कोविड के कारण हम बच्चों को बुला नहीं पा सकते हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल है जो भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन है उसके तहत, लेकिन इन स्थितियों के अंदर भी हमने ऑनलाइन के माध्यम से आज बेहद शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सरगम एकेडमी से देश विदेश से और भारत के भी अलग अलग राज्यों से जितने भी स्टूडेंट्स सीख रहे हैं उन्होंने भाग लिया और देशभक्ति गीत के गानों के रंग में सभी लोग रंग गए थे, जिसके अंदर कीबोर्ड, गिटार, तबला, वोकल, डांस, ड्राइंग, उस प्रकार की जितनी भी एक्टिविटीज है उसके विद्यार्थियों ने इसके अंदर भाग लिया था। और मुझे बेहद खुशी है कि सरगम एकेडमी के द्वारा ऐसे सेलिब्रेशन इस स्थिति में भी किए जा रहे हैं। रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन इसलिए भी खास है क्योंकि आने वाली पीढ़ी को हमारी संस्कृति के बारे में पता चले, हमारे देश में जितने भी लोगों ने संघर्ष किया है उनके बारे में पता चले और हमारा जो भी कल्चर है वो बचा रहे। तो इसी उद्देश्य के साथ हमने आज का ये सेलिब्रेशन किया था। धन्यवाद आप सभी ने, सभी पेरेंट्स, सभी लोगों ने हमें जो सपोर्ट किया है उसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। बीआरजी न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही बीआरजी न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।